सो नमस्कार दोस्तों, टेक राइट रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो है फेसबुक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फेसबुक पर जरूर है कि हर दिन कोई ना कोई स्टोरी लगाते होगे, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोन के फेसबुक के अंदर जो स्टोरी लगाते हो, जिसको चाहो दिखाना उसी को दिखेगा, जिसको नहीं चाहते हो दिखाना उसको नहीं दिखेगा, बशर्ते बस आपको ना इसके अंदर कुछ सेटिंग करना होगा। तो ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा ये फेसबुक ऐप के अंदर भी करेगा और मैसेजिंग ऐप है जो उसके अंदर भी जो है प्राइवेसी सेटिंग पर सेट कर पाइएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो तो वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। तो इसके लिए सिंपली आपको फोन के फेसबुक के अंदर आ जाना है। फेसबुक के अंदर आ जाओगे तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले ट्रिक की ओर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इधर आपको मिलेगा थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर नीचे की साइड आना है और यहां पर आपको मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद मिलेगा सेटिंग। जैसे यहां पर आ जाओगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड जैसे ही आइएगा ना तो यहां पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा जो कि ऑडियंस एंड विजिबिलिटी के नाम से होगा और यहां पर आपको मिलेगा स्टोरी देखने को, स्टोरी नाम से सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा स्टोरी प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर काफी सारे फीचर है, तो इसी पूरे सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो कि स्टोरी को लेकर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आपका सबसे पहले जो है दोस्तों, आपने जो है स्टोरी लगाते होगे तो कई बार आपने जरूर सोचा होगा कि कुछ कुछ ऐसे स्टोरी होते हैं जो कि आप सभी को नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन वो आप कर नहीं पाते हो क्योंकि इस सेटिंग के बारे में आपको पता नहीं होता होगा। आप जो भी स्टोरी लगाते हो हर कोई बंदा या बंदी देख लेता है, लेकिन इस वीडियो को देखोगे ना, इस सेटिंग के बारे में जान जाओगे तो आप जिसको चाहो दिखाना उसी को दिखेगा, जिसको नहीं चाहते हो दिखाना नहीं दिखेगा। तो चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला यहां पर सेटिंग मिलता है पब्लिश के नाम से दोस्तों, जो कि यहां पर पब्लिश दिया हुआ है। तो आप जब भी कोई स्टोरी लगाते हो ना और अगर ये पब्लिश पर दिया हुआ रहता है ना, तो जो भी स्टोरी आपने लगाया है फेसबुक पर जितने लोग जुड़े हुए हैं हर कोई आपका स्टोरी देख सकता है। वो इसी सेटिंग के वजह से होता है कि कोई भी आपका देख लेता है। तो बेसिकली इसका बस यही काम है कि पब्लिश कर देना, हर कोई पब्लिक देख ले इसे। और दूसरा सेटिंग क्या पड़ता है, नीचे में देखिए यहां पर फ्रेंड्स के नाम से। जैसे कि यहां पर देखिए दोस्तों, कई बार आपने जरूर सोचा होगा कि हम जो है फेसबुक पर जो स्टोरी लगाते हैं कुछ कुछ ऐसे स्टोरी होते हैं जो कि आप सभी को नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड को दिखाना चाहते हो। तो अगर आप जैसे इस पर आप टिक कर दोगे तो चेंज का ऑप्शन आएगा, तो चेंज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स पर आ जाएगा ना दोस्तों, तो जो भी आप स्टोरी लगाओगे ना तो वो सिर्फ जो है ना आपके फ्रेंड को ही दिखेगा, अदरवाइज किसी को जो भी आपके फ्रेंड के लिस्ट में है उसको नहीं दिखेगा। तो इसका बेसिकली यही काम है। लेकिन आप जरूर सोचते होंगे कुछ कुछ ऐसे स्टोरी होते होंगे जो कि फ्रेंड में भी किसी किसी को दिखाना चाहते होंगे कि सारे फ्रेंड भी ना दिख पाए। तो यहां पर देखिए आपको हाइड स्टोरी फ्रॉम मिलता होगा, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो जो भी आपका फ्रेंड होगा सारा का यहां पर जो है फेसबुक यहां पर अकाउंट आ जाएगा। तो यहां पर जिस जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे ना, आपको ना उसको स्टोरी आपका नहीं दिखेगा, वो सारा को हाइड हो जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं। तो यहां पर ये कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपने कई बार जरूर सोचा होगा कि मैं बस फ्रेंड में भी ना बहुत ही कम लोगों को अपने अनुसार बस एक ही दो बंदे को दिखाऊं, तो उसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहां पर हो गया फेसबुक, जैसे फ्रेंड में दिया है तो फ्रेंड में कस्टमाइज हुआ, लेकिन कस्टमाइज करके आप चूज कर सकते हो कि सिर्फ हम इसी को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक कर लेना है। कस्टम पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो अब जैसे इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, जितना बंदे को सिलेक्ट कीजिएगा ना, आपका स्टोरी कुछ ही देर में अपडेट होकर सिर्फ उसी को दिखाई देगा, उसके अलावा कोई भी आपके स्टोरी को नहीं देख पाएगा दोस्तों। तो यही था कुछ जो है प्राइवेसी प्राइवेट सेटिंग जिसके बारे में मुझे आप सबको बताना था, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल था स्टोरी को लेकर। तो कैसा लगा आप सबको यार, कमेंट के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना यार, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सेट करना ताकि और भी नए वीडियो की जानकारी मिल पाए। सबसे पहले इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बाद, कमेंट के अंदर आपको फेसबुक बेस्ट ट्रिक लिख के फीडबैक दे देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।